हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी दिन के बज रहे हैं एक। आज मैंने दो ड्राइंग्स बनाई हैं आर्ट वाले चैनल के लिए, तो जो कि एक तो ये है, एक और बनाई है। और अभी मैं फ़िलहाल एडिटिंग पे बैठा, एडिटिंग पे बैठते ही हल्की हल्की मेरे सिर में दर्द शुरू होगी। अब पता नहीं वो ड्राइंग बनाने से हुई है या लैपटॉप में देखने से हुई है। तो दवाई भी मेरी ख़त्म हो रखी है, तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं, पापा जी से पूछता हूँ, दवाई ले आएंगे। क्योंकि जब से मैं दवाई ले रहा था, डॉक्टर ने दिया था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। तो ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए, उससे पहले ही मैं इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल एडिटिंग को, और नीचे चलते हैं। पहले तो देखते हैं दवाई वगैरह लेके आते हैं। बाकी मैं सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। ज़्यादा एसी मैंने तब तब से चलाया ही नहीं है। खाना मैं बाहर का बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ, घर का ही खा रहा हूँ। ये देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं, ये हमारे मंदिर के हैं सजाने वाले, सारी माला वाला प्यारे लग रहे हैं ना। धोए हैं मम्मी ने आज, नवरात्रि आने वाले हैं ना, तो पूरे मंदिर की सफाई वगैरह होगी। तो अभी बताओ, चल रहे हो क्या दवाई लेने? डॉक्टर की पर्ची चाहिए, उसके बिना दवाई नहीं मिलेगी। उसमें लिखी होगी ना दवाई, आराम से और ये सोया हुआ है, आराम से खोल। वैसे उसकी कान बहुत तेज है, वो तेरे को देखते ही भाग के आ जाएगा। आराम से सोया हुआ है, आराम से। उठ गई लड़की, तू चले आ गया लेने। दिखा एक बारी, बहुत सारी दवाई है, 5 गोली खाता था मैं एक दिन की। तो एक तो खाली उनके रैपेट ले जा। क्या ले जा? रैपेट। रैपेट खाले खोके खोके रैपेट करते हो? रैपर लगा ले जो भी। रैपर रैपर ये सेम होना चाहिए ये। पापा जी चलो यार, घूमने नहीं जा रहा मैं, कहीं भी जा रहे हो? मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। क्या नहीं 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 क्या? अबे लूट ले यार, कल तेरा एग्जाम है ना? आज था। हो गया? कैसे हुआ? वैसे ही हुआ होगा, वैसे ही। कैसे टॉप? मैथ कैसे टॉप में है? हैं? मैथ कैसे टॉप लूंगा? अच्छा हाँ, मैथ में तो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब मैथ के अलावा सारे टापता है। अभी 18 का नहीं हुआ, चल उधर, कॉपीराइट पढ़ाएगा तू। भाई बाइक के ऊपर बैठ के स्टार्ट भी नहीं करना होता 18 से पहले। बंद है क्या? बंद है ये तो। अभी हम जा रहे हैं किसी और मेडिकल पे, आप जाके ले आओ, मैं वहाँ पे मिलता हूँ आपको। वहाँ मिलना, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसे एरिया में यही बाइक ठीक है। लेमिनेशन करानी है मेरे को अपनी ड्यूक पे, तो ये करते हैं शायद। नमस्ते अंकल जी, बाइक पे लेमिनेशन करते हो? टंकी पे करानी है पूरी? नहीं अभी नहीं खड़ी, मैं शाम को ले आऊँगा। ड्यूक पल्सर, पल्सर 200 देखी होगी आपने, वैसी है। हाँ यही है। चलो ठीक है, लास्ट टाइम जब मैं मंडी आया था ना, तो मैंने मास्क नहीं लगाया था, तो इतने कमेंट्स आए। बट आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, मतलब 90% लोगों ने मास्क नहीं लगाया। यहाँ पे डर ही नहीं है किसी को कुछ भी, उस चक्कर में कोई बात भी नहीं करता कोरोना की, तो हमको भी याद नहीं रहा। अब अगर मैंने मास्क लगा भी रखा है, तो इन सब से कैसे बच सकते हैं? आना जाना तो बंद नहीं कर सकते ना। तो अभी आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ पापा जी का, अभी तक नहीं आए हैं, और अभी तक हमने दवाई भी नहीं ली है। आ गए पापा जी, आ गए। A3 साइज की डिस्प्ले बुक। तो आने के बाद मैंने लंच कर लिया है, उसके बाद मैंने दवाई भी ले ली है। अब मैं खाऊंगा सेब, माय फेवरेट। ओ क्या कर रही लड़की? आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये सब बातें क्यों बताता है ये व्लॉग में, कि ये कर रहा है, ये खा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, जिनको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं मार्केट गया, पीयूष के साथ में गया, कुछ भी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम आई, मेरा पॉपअप हुआ, बाइक खराब हो गई, या फिर कुछ भी, बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में। वो सबकी लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में भी होते हैं, हर किसी की लाइफ में अलग अलग होते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लाइफ में कि क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। बट जिन लोगों को नहीं पता है, वो सोचते हैं यार क्या दिखा रहा है, नॉर्मल लाइफ अपनी। बट इट्स ओके, मेरे को इसी तरह कंटेंट पसंद है, मैं इसी तरह कंटेंट देखता हूँ और बनाता भी इसी तरह का हूँ। तो गाइस आजकल मैं बहुत कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो कमेंट में सारे लाइक के लिए भीख मांग रहे हैं, मतलब मेरे लिए पीयूष के लिए लाइक करो, ओरियो के लिए लाइक करो, सौरभ के सौरदा के लिए लाइक करो, मतलब क्या हो जाएगा लाइक लेके। मैं बताता हूँ इनको, तो सौरदा इतना अजीब फील होता है, मतलब कोई गाली लिख देना वो अच्छा लग रहा है आजकल। ये लाइक पीयूष के लिए लाइक कर दो, ऑडियो के लिए लाइक। आजकल तो विनोद भी अच्छा लग रहा है इससे। हाँ विनोद तो गया, लेकिन ये क्या है यार ये लाइक। मैं बैठूंगा, मेरे को दिन बैठ बैठ यहाँ बैठ जा, एक ही में दोनों बैठ जाएंगे। ओए बैठ गए, सही है? नहीं कैमरे में आ रहे होंगे दोनों, अब ठीक है। रुक जा कैमरे में तो देखने दे, अबे तेरे को दिक्कत तो नहीं हो रही? बहुत कुछ चल रहा है, पहले अपन को बैठना, ये करना जरूरी होता है, वीडियो के बीच में नहीं कर सकते ना। और इनो
ओलू। आज वाले ब्लॉग के कमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टॉप पे कमेंट आया है 1000 लाइक्स फॉर सौरव्स फैमिली। नहीं चाहिए। आई स्पेंड माई मस्ट ऑफ टाइम इन रिकॉर्डिंग गेम प्ले एडिटिंग अपलोडिंग। सौरव दा की बाइक जिसको पसंद आई लाइक करो। फोन अटक गया गाइस। एक तो ये कमेंट पढ़ने में देखना फोन अटक जा रहा है। ये यूट्यूब है ना, कमेंट देखो अब नीचे नहीं हो रहा, मतलब यूट्यूब का ऐप अटक जाता है। मेरे को बस ये बोलना है कि अब लाइक मत किया करो, तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, कुछ क्रिटिसाइज ही कर दिया करो यार, वो भी अच्छा लगता है, उससे भी सीख मिलती है। तेरे को क्या हो गया रे? इसको लाइक चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर हमने बात की। अगर कोई यूट्यूबर देख रहे हैं तो आप लोगों को भी बात करनी चाहिए, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हर किसी के कमेंट सेक्शन में जाके देख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ये करो वो करो, स्पेंडिंग लाइक करें क्यों करें। तीनों भाई हैं हम, स्वीट हम तीनों स्वीट फैमिली। अब कमेंट आएंगे स्वीट लाइक फॉर स्वीट फैमिली। सो बात करते हैं स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, विच इज मामार्थ, जो कि प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, और सभी नेचुरल और बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं, तो आपकी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेंगे। सो ये अनियन हेयर ऑयल है मामार्थ का, जो कि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे हेयर फॉल बिल्कुल कम हो गया। थोड़ा थोड़ा होता था क्योंकि काफ़ी बड़े बाल रखता हूँ तो हेयर फॉल होता था, तो वो अब काफ़ी कम हो गया। वैसे है तो ये अनियन हेयर ऑयल, बट इसमें से अनियन की जैसी स्मेल नहीं आती है, बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, और साथ में इसकी कॉम भी है, तो मैं खुद से इस तरह से डाल सकता हूँ। वैसे तो मम्मी से डलवाता हूँ अच्छे से। और इट है सनफ्लावर ऑयल, आमंड ऑयल, ब्रिंगराज ऑयल, आंवला ऑयल, ऑलिव ऑयल, और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी सही रहते हैं। और अनियन तो पता ही होगा आपको, अनियन में सल्फर होता है जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। और मामाअर्थ की सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि जितना प्लास्टिक के यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं, तो है ना काफ़ी बढ़िया बात। और यहाँ पे मेरे पास है मामाअर्थ अनियन शैम्पू, अनियन कंडीशनर और हेयर मास्क, तो ये सभी भी मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल भी हेयर को डैमेज नहीं करते और बिल्कुल नेचुरल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर। तो ये सभी प्रोडक्ट आपको इनकी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे और नायका पे मिल जाएंगे। और अगर आप सौरव 2020 कोड यूज़ करोगे इनकी वेबसाइट पे ओनली, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तो गाइस मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आपको आदर से ही धन्यवाद कि आपने मेरे 20,000 सब्सक्राइबर करा दिए। तो देखा गाइस, देखा इतना भोंदू है ये, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर होते हैं, फॉलोअर होते हैं इंस्टाग्राम पे, ना कि सब्सक्राइबर। तो ओरियो के भी 20 होने वाले और हमारे हो गए 120। थैंक यू सो मच। जब मैं ओरियो के अकाउंट पे, पीयूष के अकाउंट पे फोटो डालता हूँ ना, इनकी पोस्ट करता हूँ, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं इनके लिए कि मतलब ये इतने छोटे हैं अभी से, इनके इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने लाइक्स आ रहे हैं, तो इतने कमेंट्स आते हैं। मैं देखता हूँ यार इन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का, ओरियो ने क्या बिगाड़ा है, ऐसे लिखते हैं ना लोग, लोग सोचते हैं कि मतलब कैसे आगे बढ़ गए, कैसे फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं बाइक पे लेमिनेशन कराने के लिए। एक्चुअली सीन ये है ना, उसके जो टंकी है ना उस पर हल्का सा एक पता नहीं कहाँ से स्क्रैच, हल्का सा छोटा सा लगा हुआ है, उसको देख के ना इतना अजीब सी फीलिंग आई मुझे। मैंने कहा जल्दी से लेमिनेशन तो करा लेते हैं, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही चिकना सा है। मैं अभी दिन में पूछ के आया था, बट वहाँ पर नहीं जाएंगे कराने के लिए, एक मेरा फ्रेंड है उसकी भी शॉप है, तो वहाँ से कराएंगे। मेरे को बस पूछना था वहाँ पे कि अराउंड कितने खर्चा आ जाएगा। लेमिनेशन अपने मुंह पे करा ले यार, इसका नोटंकी वाला मुंह, अपने मुंह पे लेमिनेशन करा ले। आप अपने मुंह पे सर्जरी, आप अपने मुंह की सर्जरी करा लो, बहुत मनोज लगता है। ओए जा अम्मा, जल्दी हम गांव जाएंगे, आपकी मुस्कुराहट कम की हो रखी है। अम्मा को वैसे अलग ही खुशी हो रही है आजकल, अम्मा अपना हंसी वाला मुंह दिखा रहे। अम्मा ने दबा रखी है अंदर खुशी, तो चलो गाइस चलते हैं, अंधेरा हो जाएगा, 5 ऑलरेडी बच्चों के, 6 बजे अंधेरा हो ही जाता है। खेतों में जाना है ना, खेतों में जाना है। आपने देखा होगा, आपने एक चीज देखा होगा, अम्मा और पीयूष की लड़ाई होती रहती है, लास्ट लड़ाई नहीं हो रही, कह रही हूँ मैं उसको चिढ़ा रही हूँ। आप चिढ़ा रहे हो, मेरे को चिढ़ा रहा है, मैं भी उसको चिढ़ा रही हूँ, आपको चिढ़ा रहे मेरे को। अभी मैं यहाँ पे चुप गया हूँ और वो इधर है, और यू आने वाला है। और यो आ गया रे, और यो आ गया, वो गया, आ गया। ओए किसके पीछे पड़ रहा है, अरे कुछ नहीं करता। बच्चों को भगा दिया, अंदर चल रहे, सबको डरा देता है। छोटा सा तो है इसका, जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हल्का सा एक स्क्रैच है इस साइड, तो इस पे पूरा लेमिनेशन होगी शायद, इस पे भी होगी, जो भी होगा देखते हैं बता देंगे वही।
हाँ टैंक पूरा, हाँ ठीक है, सुबह सुबह ले आऊँगा। कितने बजे? तो आज काफ़ी लेट हो गए हैं बिकॉज 5:30 हो गई है, तो कह रहे आज नहीं हो पाएगी, कल सुबह सुबह छोड़ जाऊँगा यहाँ पे, बिकॉज पूरी कह रहे पूरी बाइक में करवा लेना। और जो प्राइस बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, जो मैं दिन में पूछ के आया था ना वहाँ पे, ओनली टैंक के 1500 रुपये बताए थे, और ये भैया कह रहे हैं हमारे कि 800 में। बाकी और भी देखते हैं अगर कुछ कराना है तो। हाँ हाँ फैन नहीं, सारी वीडियो आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। अच्छा थैंक यू, आपकी स्माइल अच्छी है बहुत। ओके बाय। अब मैं अगर रोज बाइक लेके निकलता हूँ ना तो एक या दो बंदे तो मिल ही जाते हैं। भौंक क्यों रहे तेरे ऊपर भाई, काट लेगा तेरे को। आज पता नहीं क्यों गाइस आई एम फीलिंग वेरी 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 मच हैप्पी, अंदर से खुशी वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेमिनेशन तो नहीं हो पाई आज, कल सुबह सुबह 9 या 10 बजे ले जा लूँगा वहाँ पे। सम ऑफ यू पीपल वॉच माई वीडियो फॉर प्यू, सम ऑफ फॉर ओरियो, सम ऑफ फॉर साहिल, सम ऑफ फॉर मम्मी। बच्चों को समझ नहीं आएगा, हिंदी में बक दो। अपने से ज्यादा इंग्लिश आती है सबको, हिंदी में बक दो। सम ऑफ फॉर आर्ट्स, ठीक है, मैं आपको मेरे लिए तो कोई नहीं देखता होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तो अरे चुप हो जाया, तो इन्हें भुला दिया मैं क्या बोल रहा था। तो जो हमारे व्लॉग में करेक्टर हैं वो सबके अलग है, जैसे पीयूष का अलग है, ओरियो का अलग है, मेरा अलग है, मम्मी का अलग है, अम्मा का अलग है, साहिल का सबसे इनोसेंट सा मतलब शर्मीला सा, पापा जी का अलग ही स्वैग जैसा, काम करने वाला, हार्डवर्किंग वाला। तो मतलब उससे ना एक बॉन्डिंग सी हो गई आप लोगों से, जो लोग आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। तो अभी साहिल आ चुका है, कमेंट आ रहे थे कि साहिल व्लॉग में नहीं बोलता, आप इसको लेके नहीं जाते, आप इसको व्लॉग में नहीं लाते। तो मेरे व्लॉग में लाने से गाइस कुछ नहीं होता, ये बोलता ही नहीं है, या फिर इसको मैं कहीं लेके नहीं जाता, क्यों लेके जाता तेरे को मैं, क्योंकि बोलता ही नहीं, क्या करूँ मैं, तो मना नहीं करता, मैं कभी मना नहीं करता गाइस। ये बोलने वाला बने, ये कैमरा उठा के वीडियो बनाने वाला बने, पीयूष तो जल्दी जल्दी बना देता है उठा के जल्दी जल्दी, थोड़ा सा ये थोड़ा शर्माता है, बट चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। सर मेरी गिलर, चलो मैं भी बनाऊंगा बना। ले बना, कल से अभी बना, कल से क्या भाई, मैं बहुत शर्मीली हूँ, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ मेरे फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है इसको क्या हो गया रे, वरी आज हम आपको सिखाएंगे अपनी बेइज्जती कैसे करते हैं। ओ अम्मा, क्या कर रहे हो, ऊपर को आ रही हूँ रे, कहाँ है ओरियो? आपको भी ओरियो चाहिए, हम नहीं चाहिए आपको, सब चाहिए जो। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो, कहाँ है ओरियो, कहाँ है सौरभ, नहीं कह सकते आप? ओरियो सबसे छोटा है, तुम तो हो बड़े, सबका प्यारा जो, ओरियो जो सबसे छोटा होता है उसके सबसे ज्यादा प्यार होता है। मेरी तो इज्जत ही नहीं है, तेरी तो कभी नहीं है, मैं पूछ ले अम्मा की खुशी गाँव जाने के लिए। अब पता है हर बात पे अम्मा को चिढ़ाने के लिए यही बोलते रहते हैं, कहो मेरे को अम्मा की खुशी गांव जाने के लिए, अम्मा की खुशी। और एक बार अम्मा गांव चली गई तो वापस आना है वहाँ से? हाँ आना है, देखते हैं आएगी नहीं आएगी, क्या पता वहीं रह जाए। आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, क्यों आना, और कहाँ से। अम्मा ने आते ही ओरियो के पूछा, आपने भी आते ही ओरियो का पूछा, हमारे को तो कोई पूछता ही नहीं है। अभी मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि मुझे आर्ट वाली वीडियो एडिट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं एडिटिंग शुरू की थी, कर रहा था उसी टाइम मेरे से मैं दर शुरू होगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ व्लॉग एंड करके सो जाऊँगा, सुबह उठ के करूँगा व्लॉग, तो सुबह ही करना है, तो कल मेरे को 2 वीडियो एडिट करनी पड़ेंगी। अब ठीक है तो कर लेना फिर, मम्मी ने कह दिया तो कर लेंगे। और बुलाया मंडी से फ्रूट, फल लाया कुछ? हाँ फ्रूट तो लाया। तो अभी रात हो गई है, बात करते करते पता भी नहीं चला, बट मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। अभी सजाया जा रहा है हमारा मंदिर, कब से है नवरात्रे? 17 से, और आज है शनिवार, आज है 13। तो मंदिर को सजाना शुरू हो चुका है हमारे यहाँ पे ना, ज्योत जलती है पूरे 9 दिन घर पे ही, अखंड ज्योत, और मम्मी जी पूरे 9 दिन व्रत रखती है। तो अब की बार आपको पूरे 9 दिन का पापा जी भी रखते हैं, दोनों अम्मा भी रखती है, अम्मा भी रखती होगी, तो अब की बार आपको पूरा 9 दिन का देखने को मिलेगा, क्या क्या होता है, किस तरह से व्रत रखते हैं और सब कुछ। और फिलहाल तो अभी मंदिर सजा रहे हैं, आज धोया था सब कुछ यहाँ का।
तो अभी डिनर तो हो चुका है, मैं दवाई खा लेता हूँ। वैसे बिल्कुल सही फील हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सिर में, क्योंकि दिन में दवाई खाई थी, बट बहुत सारी दवाइयाँ तो किसकी बुरी नज़र लगी हमको, इतनी इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं इस एज में, क्योंकि ना सब कुछ मैं ही संभालता हूँ, आर्ट चैनल, यूट्यूब चैनल, ड्राइंग प्रैक्टिस, मेल्स, ब्रांड, इंस्टाग्राम, कमेंट सेक्शन, एडिटिंग, अपलोडिंग, शूटिंग, मतलब सब कुछ। बट जब मैं सोचता हूँ ना कि इतना सारा काम मैं कैसे कर लेता हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं होता, बट हो जाता है। एनीवेज गाइस, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज दो वीडियो एडिट करनी है, आर्ट वाली, व्लॉग वाली, देखता हूँ कौन सी करूँगा, जो भी करूँगा फिलहाल अभी शुरू कर दूँगा, बिकॉज अगर एक तो अभी हो जाएगी, एक सुबह हो जाएगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सम ऑफ यू पीपल वॉच माई वीडियो फॉर पीयू, सम ऑफ यू माई पीपल थोड़ी हिंदी बोलना समझ आया।